और ये देखें बच्चे छोटे छोटे हैं। Excuse me, ma'am. Can I sit here? Thank you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। शरीफ आज हो चुके लेके आपके लिए कोई नई वीडियो। यार फिलहाल नींद पूरी हो चुकी है और मैं बहुत ज्यादा फ्रेश फील कर रहा हूँ, तो अब आप लोगों का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, निकलते हैं हम लोग बाहर और शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। ये मेरा रूम है 244 और यहाँ से इसकी एग्जिट है। खुद को मैं यार काम ही दिखाऊंगा क्योंकि मुझे आप देखते रहते हैं, तो आप फिलहाल देखें थाईलैंड बताया। हेलो हेलो की है, थैंक यू, बाय बाय। तो लोग यहाँ के बड़े अच्छे हैं यार, कोई इस तरह का सीन नहीं है कि जैसे बताया जाता है। अब मैं कौन सी साइड से जाऊंगा, वो रोड वाली साइड है तो इस साइड से चलते हैं, पिछली साइड से। यहाँ जिस जिस तरह रात होती जाएगी वैसे वैसे जो है ना, मतलब कि दिन का आगाज होता जाएगा, रौनकें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे। सारे पब क्लब्स और जितने भी कैफे वगैरह हैं ना, वो सारे इधर पताया के जितने भी होटल्स हैं, ये देख रहे हैं आप काफ़ी बड़े बड़े होटल्स हैं यहाँ, इनके सारे आसपास ही, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली टूरिस्ट जो हैं वो इसी जगह पे आके रुकते हैं, तो इसलिए इस सारे एरिया के आसपास ही है जो कुछ है। मसाज सेंटर यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि हर जगह पे आपको हर एक दो फोन के बाद आपको मसाज सेंटर नज़र आएगा। हेलो हेलो, शुरू हो जाए काम यहाँ सड़क पे जाते ही। ये देखे ना रौनक लगाई हुई दुनिया ने, मामा सत्ते मामा सत्ते, ठीक है मामा सत्ते। ये फिलहाल जो है ना, ये सारे मसाज सेंटर इधर हैं हर किस्म के। इधर से आप निकल के बीच वाली साइड में, मेरा दिल है थोड़ा जाऊँ, वैसे तो शाम हो गई है, मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ ज़्यादा लोग हों, लेकिन एक दफ़ा थोड़ा ना ज़रा दीदार कर लें बीच का भी थोड़ा सा। कौन सी साइड पे जाना है, वहाँ मर्सिडीज, मेरा ख्याल है इस साइड पे गया था मैं, तो अब मैंने क्योंकि थोड़ा सा ना दिन टाइम में आके देख लिया था, मैंने कहा रात को फिरना है तो मुझे मसला ना बने। ये देख सकते हैं सारे इस साइड पे जाना, जितने भी मसाज सेंटर और क्योंकि सब कुछ भाई ठीक है, थाईलैंड है फिर ऊबर से बताया है। और यकीन करो सबसे अजीब बात, जो गान बला रगड़ी आ रहे हैं जवान, कोई नहीं यहाँ खाने का यार बड़ा मसला है, बताया मैं, मतलब काफ़ी मसला खाने पीने का, ये देख लें। और इनके मतलब कि ऑयल से इतनी स्मेल आ रही होती है ना, बंदा जब उसके पास से भी गुजरता तो उसे स्मेल आती है। ये अभी क्लब जो है ना, ये अभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हुआ है, अभी जैसे जैसे रात होती जाएगी वैसे वैसे फर्दर और माहौल उठता जाएगा। चिकन बोटी मलाई बोटी,
पताया कि बीच के बिल्कुल सामने ना यार बहुत ही क्लास क्लास के होटल हैं। आप मैं देख रहे हैं कि मेरा भी जो होटल है वो भी पताया बीच के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। This is Pattaya Beach, babes. ये यार ये यहाँ से पताया बीच शुरू हो जाती है और मैं कोशिश करूँगा कि रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चला जाऊँ क्योंकि हवा बहुत मज़े की होती है, मीठी मीठी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवाएँ आती हैं। अच्छा यहाँ ना सबसे मज़े की जो मुझे बात लगती है ना ट्रैफिक की वो ये है कि जब भी कोई बंदा सड़क पे से आगे जाएगा तो गाड़ियाँ खुद बखुद ही जो है ना ये देखने आप वो रुक जाती हैं खुद बखुद ही, मतलब वो तब तक आगे नहीं आती जब तक आप रोड क्रॉस नहीं कर लेते। ये बाबे यहाँ जो है ना ज़िंदगी की आखिरी जो उम्र है वो इधर गुजारने आए हैं। ज़्यादातर अमेरिकन्स मिले हैं मुझे भी जहाँ तक मैंने देखा और एजिड लोग हैं। ये देखें जी पताया बीच के सीन्स हैं जो कि ऐसे हैं माशाल्लाह। अभी क्योंकि शाम हो गई है तो ये देखने सारा बिल्कुल पैकअप जा रहा है सीन, वो अम्ब्रेला वगैरह भी सब कुछ क्लोज हो गया तो कल ही चल मॉर्निंग में आएंगे फिर आपको सीन दिखाएंगे सारे। चलें देखते लिए आपने वैसे अच्छा बीच साइड में वैसे भी आके ना बड़ी रिफ्रेशिंग सी फील आती है बंदे को, इन्वायरमेंट होती है बड़ी प्यारी प्यारी हवाएं चल रही होती हैं तो अच्छा फील होता है। लोग जो हैं वो फोटो शूट कर रहे हैं। चलें कोई बात नहीं अपना टाइम आएगा। हाँ आपको ज़रा करीब से दिखाएं ना थोड़ा सा पताया बीच के नज़ारे। पताया जो बेसिकली ये बहुत बड़ी बीच है, दूर दूर तक जहाँ तक नज़र आपकी जाती है साइड पर भी साइड पर भी दूर दूर तक जो है ना आपको नज़र आ ही जाएगा दूर दूर तक जी दूर दूर तक बीच ही बीच है।
बात है यहाँ की रेत में, ये देखना अलग है, इतना पाकिस्तान में आप चले तो बूटों के अंदर तक चली जाती है, लेकिन यहाँ की चीनियाँ पता नहीं क्या बात है इसमें, ये बूटों के अंदर नहीं जा रही। एक चीज़ का मुझे आइडिया हो गया बताया पे आके कि मतलब बंदे को इवनिंग में नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा आफ्टरनून में आना चाहिए यहाँ पे। मेरा ख्याल है थोड़ा सा साइड पे हो जाए क्योंकि थोड़ा रेत पे चलना मुश्किल हो रहा है। ये
हेलो है, छोटी मोटी आती रहती है, शरारतें करती है ना, छेड़खानी ही करती है, बस एंजॉय करना चाहिए यार।
ये बीच साइड पे इस तरह के ना छोटे छोटे पार्क बने होते हैं, जहाँ जो है ना बच्चों को छोड़ दिया जाता है ताकि वो बड़ों को जो है ना वो तंग ना करें, बड़े अपने इंजॉय करते हैं। और ये देखें बच्चे छोटे छोटे हैं, ये अपना इंजॉय करते हैं। हम भी अभी नहीं बच्चों में जाते हैं और इंजॉय में थोड़ा सा हिस्सा लेते हैं। सारा ने उतारे में बाहर रखना। ओके हम उतार देते हैं। आपके साथ साथ दिखाते रहते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं। आज बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं। Excuse me, ma'am. Can I sit here? Thank you. तो यार जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी शक्ल बहुत कम आप लोगों को दिखाऊंगा और जो नज़ारे हैं वो आप लोगों को ज़्यादा दिखाऊंगा। तो ये पताया बीच की छोटा सा एक सिर्फ साइड थी, पताया बीच बहुत बड़ी है। तो मैं सिर्फ जो बोला नहीं अंदर वॉकिंग सीट पे सिर्फ चुप करके वीडियो बनाता रहा, उसका मकसद ये था ताकि आप लोग ये फील हो कि आप लोग मेरे साथ साथ आप लोग भी एक चीज़ देख रहे हैं जिस तरह मेरी आंखें देख रही हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा अपनी तरफ से जितना अच्छा ब्लॉग बना सकूँ आप लोगों के, बस ये है कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब आदमी कर दें। तो अभी मार्केट साइड पे जाना है, उसका एक अलहदा ब्लॉग बनाऊँगा, क्योंकि अगर सारा कुछ है कि ब्लॉग में आगे वो ना मुझे समझ आना ना आप लोगों को समझ आना है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त। फाजा तो फरवा।